बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस और आज मैं मौजूद हूं 101 6 AR कूल वाला हड़प्पा के पास। और इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और यहां पे एक क्रिकेट मुकाबला फ्लड लाइट यहां पे इनका किया गया है। टूर्नामेंट कमेटी यहां पे मौजूद है और सबसे अहम बात मंजर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो 101 6 AR के यूट्यूबर हैं और यहाँ पूरे इलाके के अंदर काफ़ी धूम है उनकी। मंजर, पहले तो आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ मेरे इस चैनल पे और आप यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हो वो यूट्यूब पे गाहे बगाहे डालते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, कोरोना के बाद एक हेल्दी एक्टिविटी रखी है गाँव वालों ने, मुझे बहुत खुशी है। बल्कि मैंने इनके साथ आया हूँ, मैं इनसे कहा है कि अगर मेरे लाइक कोई खिदमत हो तो मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। अभी देखने के लिए भी आए हुए हैं मैच, आप भी माशाल्लाह से इतने दूर से आए हैं मैच देखने, तो आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इतना टाइम निकाला आपने। हाँ, मंजर ने अच्छी बात की कि एक हेल्दी एक्टिविटी है। जैसे कोरोना के बाद ये पूरा इलाका, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये दांत पतियाना, इसके अलावा 106 जो बाकी इलाके हैं यहाँ पे जिसमें 7 R है, 6 R है, इसके अलावा 9 L है, 11 L है, हड़प्पा का इलाका यहाँ पे है, मिर्दाद माफी है, यहाँ पे दादरा बाला है, ये पूरा इलाका जो पट्टी दरिया रावी के दरमियान और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो नेशनल हाईवे 5 है उसके बीच ये इलाका है। तो यहाँ पे हेल्दी एक्टिविटीज़ अक्सर यहाँ आपको देखने को मिलती है और इस वक्त भी यहाँ क्रिकेट का मुकाबला यहाँ पे जारी है और इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि आज इसका पहला दिन है, ये 4 दिन तक यहाँ पर जारी रहेगा। तो मंजर, यहाँ पे जो सबसे अच्छी टीम आपको लगती है, वैसे तो बहुत से लोग यहाँ पे खेल रहे हैं और मुख्तलिफ, लेकिन आपको आपकी नज़र में सबसे अच्छी टीम कौन सी होगी? ऐसा है कि अभी तो आज पहला दिन है, आज मैच स्टार्ट हुए हैं, मुझे ये भी नहीं पता कौन कौन सी टीम यहाँ पे खेल रही है, लेकिन मेरी सपोर्ट मेरे गाँव की टीम के साथ ही होगी, वो जब भी खेलेगी, जब भी उनका मैच आएगा तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे गाँव की टीम जो है वही विन करे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो गाँव का ग्राउंड है क्या वो अवेलेबल है, लोग यहाँ पे क्यों खेल रहे हैं? जी बिल्कुल, गांव जो है, गांव का जो ग्राउंड है वो अवेलेबल है, लेकिन वो स्कूल के अंदर है और कोरोना की वजह से स्कूल के ग्राउंड्स गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं अभी तक। तो जैसे ही गवर्नमेंट उनको ओपन करेगी तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह, पहले हम भी टूर्नामेंट करवाते रहे, अभी भाई ने वहीं पर करवाना था लेकिन गवर्नमेंट के SOPs की वजह से वहाँ पर नहीं हो सका। गवर्नमेंट की SOPs की वजह से जो स्कूल का ग्राउंड है वो दस्तियाब है यहाँ पे, वो नहीं हो सका, लेकिन यहाँ इस जंगल में मंगल का सा समय जो कमेटी है, इस टूर्नामेंट कमेटी, उसका तारुफ भी मैं आपसे करवाऊंगा कि वो किस तरह इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और उनको अगर मुश्किल पेश आई है कोरोना की वजह से तो वो क्या है, और कुछ खिलाड़ियों के तासरात भी आप तक पहुंचाता हूं कि वो यहां आकर कैसा महसूस करें। मंजर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया टाइम दिया और आपसे गाहे बगाहे रबता रहेगा और आपके कमेंट्स यहाँ आके हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा आता हूँ। जी, तो इस वक्त मेरे साथ माहर आसिफ लक मौजूद हैं जो इस टूर्नामेंट को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। माहर आसिफ लक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इस मुश्किल वक्त में ये टूर्नामेंट, इस वक्त जो खिलाड़ी हैं इस इलाके के उसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह, हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने अपने गाँव के लिए ये टूर्नामेंट इनाकाद किया। तो काफ़ी मुश्किल थी पहले कोरोना की वजह से, ये हालात और वाकत की वजह से, क्योंकि सिक्योरिटी के खदशात भी थे, इसलिए काफ़ी मुश्किल थी। तो माशाल्लाह, हमने काफ़ी मेहनत करके तमाम लड़कों ने, गांव वालों ने मिलके हमारे साथ तावन किया है, तो जिसके सिलसिले में ये टूर्नामेंट हमने इनाकाद किया है। सबसे अच्छी बात वो ये है कि यहाँ के गांव वालों ने भी आपके साथ तावन किया है। तो इस इलाके में मजमू तौर पर कितनी टीमें जो इसमें शिरकत कर रही हैं? इस इलाके में तकरीबन 17 से 18 टीमें हैं इस इलाके की जो हमारे साथ तावन कर रही हैं और हमारे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है उन्होंने, और काफ़ी दूर दूर से भी टीमें आ रही हैं, आरफ वाला, कमालिया शहर, मामू कांजन, फैसलाबाद और भी दीगर इलाकों से, साहिवाल से, यूसुफ वाला, तमाम तमाम इलाकों से यहाँ पे आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे जो अच्छे खिलाड़ी हैं इस इलाके के, कुछ के नाम बताना पसंद करेंगे? या सबसे अच्छे खिलाड़ी मेरे हिसाब से मिर्दाद माफी की टीम है, बहुत अच्छी है, उनकी साइड से तैमूर मिर्ज़ा, अकबर भोली, नवीद गिरगो साहिवाल के, वो उनकी तरफ से आ रहे हैं। दो ओपन खिलाड़ी हमने टूर्नामेंट में रखे हैं, नवीद गिरगो मिर्दाद माफी की तरफ से ही खेल रहे हैं और अकबर भोली, और एक ये अच्छे खिलाड़ी आप समझते हैं हमारे इलाके के। और ये 3 ओवर्स का मैच, बस ये 3 ओवर का, हर जो हमारे आसपास जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं 3 ओवर के ही टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो इसलिए लिहाजा टीमें काफ़ी ज़्यादा हैं, टाइम की शॉर्टकट होने की वजह से 3 ओवर। आपके आसपास जो 7 R का इलाका है, 6 R का इलाका है,
जो लोग आना चाहे मैच देखने के लिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने तमाम मेहमानों को, अपने आसपास वाले गांव वालों को, तमाम को यही कहता हूं कि आए मैच देखें। बहुत अच्छा टूर्नामेंट इनका किया है आप लोगों के, ये तफरी के लिए बहुत अच्छा है। कोरोना के बाद ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट इनका किया है, तो मोस्ट वेलकम। महाराष्ट्र सिर्फ लक का यही कहना है कि टूर्नामेंट का इनका हमने कर दिया है और पूरे इलाके के लोग यहाँ के यहाँ आए, आके मैच देखें, इससे लुत्फ उठाएं। थोड़ा सा जो यहाँ के मनाजिर है वो आपको दिखाता हूँ। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिएगा, मैं किसी और मौजू पर कोई और वीडियो को दोबारा आऊंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। राय बाबर फेस करेंगे, बहुत ही खूबसूरत शायर राय बाबर। पहले तो समझाने आए हैं हाफिज साहब, नूर शाह की टीम यहाँ मौजूद है, वेलकम यहाँ पे। तो क्या इरादे हैं आज, मैच किसके साथ है और किस तरह खेलेंगे यार? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा मैच है जी 139 रन के साथ, इंशाल्लाह हम टफ टाइम जरूर।